जय श्री राम। आज मैं बनाने जा रही हूँ खोए की बर्फी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो खोया लिया है और 700 ग्राम बूरा लिया है और 5 से 6 हरी इलायची मैंने दरदरी कूट ली है, उनका ऊपर का हरे वाला भाग नहीं लिया। अब मैंने गैस फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई रख दी है और उसमें इस तरीके से खोए को डाल रही हूँ। आप खोए को कद्दूकस से भी घिस करके डाल सकते हैं या इस तरीके से हाथों से भी तोड़ कर डाल सकते हैं। अगर खोया सॉफ्ट है तो खोया वैसे ही इसमें मेल्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे पास जो खोया है ये थोड़ा सा सख्त है, तो इसलिए मुझे हाथों से तोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। और खोए को डालकर एक बार मैं इसको चला लूँगी चम्मच की सहायता से इस तरीके से, और ऊपर से इसके साथ में ही मैं यहाँ पर बूरा डाल रही हूँ। आप यहाँ पर चीनी भी डाल सकती हैं, थोड़ी थोड़ी करके ही बूरा डालें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मीठा रखें। देख रहे हैं खोया इस तरीके से धीरे धीरे मेल्ट होने लग गया है। खोए को भूनते टाइम गैस फ्लेम को हम बिल्कुल लो रख लेंगे ताकि खोया आसानी से भून जाए, नीचे कढ़ाई में लगे ना। आप देख रहे हैं इसमें इस तरीके से बबल्स आ रहे हैं और खोए की छींटे बाहर जा रही हैं कढ़ाई से, इसलिए हमें गैस फ्लेम को लो रखना है। और इसके बाद खोया यहाँ पर पकने लग जाएगा, यानी कि गाढ़ा होने लग जाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं या इलायची को कूट करके भी डाल सकती हैं, बस इलायची का हरे वाला यानी कि छिलका हमें नहीं डालना। यहाँ पर खोया पककर तैयार हो गया है, यानी कि बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। जैसे खोए की बर्फी बनती है वैसा खोया हमारा पककर तैयार हो गया। किसी भी बर्तन में यहाँ पर घी को ग्रीस कर लें और उस तरीके से अपनी बर्फी बनाने के लिए हम खोए को उसमें निकाल लें पकने के बाद, और खोए को एक लेयर में अच्छे से फैला लेंगे इस तरीके से चम्मच की सहायता से या किसी कटोरी की सहायता से, यानी कि जिसकी तली नीचे से बिल्कुल प्लेन हो, उससे इसको इस तरीके से एक लेयर में फैला लेंगे खोए को। और ऊपर से गार्निश करने के लिए बादाम, काजू, चिरौंजी, पिस्ता, हल्की सी काली मिर्च ले लेंगे, साबुत उनको दरदरी कूट लेंगे और इस तरीके से गार्निश कर लेंगे। और यहाँ पर आप केसर के धागे भी डाल सकते हैं, इलायची भी यहाँ पर डाल सकते हैं आप, इलायची के जो बीज होते हैं उनको। ये हमें सिर्फ जैसे हम बर्फ़ी को जमाने के लिए इसमें फैलाएंगे उसके बाद ही ऊपर से डालनी है, ताकि बर्फ़ी के साथ आराम से सभी ड्राई फ्रूट्स जम जाएं। हमारी बर्फ़ी यहाँ पर तैयार हो गई है, तो हम यहाँ पर अब कट कर रहे हैं चाकू की सहायता से। अपनी मनपसंद कोई भी शेप हम बर्फ़ी को यहाँ पर दे दें, जैसे चौकोर, तिकोनी, जिस हिसाब की भी आपको अच्छी लगे उस तरीके से हम कट कर लेंगे। ये बर्फ़ी बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। जैसे शिवरात्रि का व्रत है तो आप उसके लिए इस तरीके से बना कर रख सकते हैं, या जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो घर पर ही आप इस तरीके से खोए की बर्फ़ी बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाती हैं ये, बिल्कुल भी इनमें टाइम नहीं लगता। और इस तरीके से हम कट करने के बाद इनको किसी भी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा करके आप सभी मुझे फॉलो ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।